भाइयों और बहनों, कबीर का सारा जीवन सत्य की खोज तथा असत्य के खंडन में व्यतीत हुआ। कबीर की साधना मानने से नहीं, जानने से आरंभ होती है। वो सिर से पैर तक मस्त मौला स्वभाव के फक्कड़, आदत में अक्खड़, भक्त के सामने सेवक, बात-कात के सामने प्रचंड दिलेर, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर थे। वो जन्म के धन्य से ही नहीं, अपने कर्म से वंदनीय हो गए। महात्मा कबीरदास वो धूल से उठे थे, लेकिन माथे का चंदन बन गए। महात्मा कबीरदास व्यक्ति से अभिव्यक्ति हो गए, और इससे भी आगे वो शब्द से शब्द ब्रह्म हो गए। वो विचार बन करके आए और व्यवहार बन करके अमर हो गए। संत कबीरदास जी ने समाज को सिर्फ दृष्टि देने का ही काम नहीं किया, बल्कि समाज की चेतना को जागृत करने का भी, और इसी समाज जागरण के लिए वे काशी से मगहर आए। मगहर को उन्होंने प्रतीक स्वरूप चुना। कबीर साहब ने कहा था कि यदि हृदय में राम बसते हैं तो मगहर भी सबसे पवित्र है, और उन्होंने कहा क्या काशी का उसर मगहर, राम हृदय बसो मोरा।